सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस की तरफ से लॉन्च होने वाली टॉप 3 मोस्ट अवेटेड बाइक्स के बारे में, जो आपको आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। और इंडियन मार्केट में काफी लोग हैं जो इन बाइक्स के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं। और टीवीएस की तरफ से एक टोटली न्यू बाइक आने वाली है 310cc कैटेगरी में, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो बाइक कब तक लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेस करने वाले हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक ये मैंने रखा है 250 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते आज के इस वीडियो को। तो तीसरे नंबर पर है टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V का न्यू वर्जन। तो टीवीएस के अपाचे सीरीज में जितने वर्जन है इंडियन मार्केट में वो सारे अपडेट होंगे BS6 फेज 2 के साथ, लेकिन जो बाइक में मेजर चेंजेस आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे अपाचे आरटीआर 164V और 204V में, क्योंकि अपाचे सीरीज की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है और इन्हीं सेगमेंट में इंडियन मार्केट में काफी कॉम्पिटिशन है। बाकी आरटीआर 204V में आपको डुअल ABS पहले से मिलता है और जो बाकी फीचर्स है बाइक में वो भी काफी ज्यादा है कंपैरिजन में किसी भी बाइक से, लेकिन बाइक में अभी भी 3 कमी है। सबसे पहली कमी है कि अभी भी आपको बाइक में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, हालांकि इस सेगमेंट में आने वाली सभी बाइक्स में अपसाइड डाउन फोक का यूज किया जा रहा है, तो नए वर्जन में ये कमी आपकी दूर हो जाएगी, आपको इसमें भी अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल में सारी कंपनियां काम कर रही है अपनी बाइकों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो अपसाइड डाउन फोक्स आपको मिलेंगे, डुअल ABS पहले से मिलते हैं बाइक में। और दूसरी कमी है बाइक में हैलोजन साइड इंडिकेटर। तो अभी भी अपाचे आरटीआर 200 में हैलोजन बल्ब का यूज किया जा रहा है साइड इंडिकेटर में, जो कि काफी अनक्लासी सा लगता है, लोगों को इसको आफ्टर मार्केट करवाना पड़ता है, तो ये कमी भी दूर होगी इसके नए वर्जन में, आपको बाइक में LED साइड इंडिकेटर मिलेंगे। और तीसरी कमी जो सबसे मेजर है वो है बाइक के इंजन में। इंजन बाइक का काफी रिफाइन है अपाचे आरटीआर 204V में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाइक में पावर काफी कम है। लाइक 200cc कैटेगरी में जितनी भी बाइक्स है उसमें इससे काफी ज्यादा पावर है। लाइक फिलहाल में आपको अपाचे में मिलती है 20.82 BHP की पावर, जो कि पल्सर NS 200 में है 24 BHP की। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि क्या अपाचे 204V में पावर को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि पावर में इंक्रीज नहीं आएगा, बाकी बाइक के इंजन को रिट्यून करा जाएगा BS6 फेज 2 इंजन के साथ। और जो बाइक का डिजाइन है उसमें आपको 20-30% का चेंज देखने को मिलेगा, बाइक में नए कलर ऑप्शन आएंगे, नए ग्राफिक्स आएंगे और बाइक के टायर साइज को भी इंक्रीज करा जाएगा। फिलहाल में बाइक में 130x70mm का टायर है रियर पार्ट में, तो आने वाले मॉडल में आपको बाइक में 140x70 सेक्शन का टायर मिल सकता है। बाकी डायमेंशन, फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम रहेगी। तो फाइनली बात करते हैं बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको अप्रैल के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी और लॉन्च होने पर बाइक के प्राइस में 5,000-10,000 का डिफरेंस आएगा। फिलहाल में इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस है 1,40,000-1,45,000, तो नए वर्जन में आपको ये बाइक 1,50,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर देखने को मिल सकती है। तो अगली बाइक है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V का न्यू वर्जन। तो फिलहाल में यामाहा MT-15 और बजाज पल्सर NS-160 दोनों बाइकों में डुअल चैनल ABS आ गया है और दोनों ही बाइक के फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक्स भी आ गया है। तो 2023 का जो मेजर अपडेट है वो सेफ्टी पर्पस पे है, ऐसे ही सिमिलर अपडेट आपको देखने को मिलेंगे टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V में। सबसे पहले बाइक में आएगा डुअल चैनल ABS आप सभी की सेफ्टी के लिए। हालांकि बाइक के डिजाइन में आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, डिजाइन इसका सेम रहेगा, नए कलर ऑप्शन और ग्राफिक्स आ सकते हैं बाइक में। और बाइक के इंजन में 159.7cc का सेम इंजन यूज किया जाएगा BS6 OBD सेंसर 2 के साथ, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17.5 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 14.73 Nm का। और बाइक के फीचर्स में डुअल चैनल ABS आपको मिलेगा 2023 मॉडल में। राइडिंग मोड्स आपको पहले से मिलते हैं बाइक में। कंसोल बाइक का फुल्ली डिजिटल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल सकता है 2023 मॉडल में। और बाइक के सस्पेंशन में न्यू वर्जन में अपाचे के आपको इसमें अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। बाकी जो बाइक में लाइट्स वगैरह है वो सेम रहेगी फ्रंट और रियर पार्ट की, लेकिन न्यू वर्जन में आपको इसके साइड इंडिकेटर में LED लाइट्स का ऑप्शन मिलेगा। बाकी जो डायमेंशन है बाइक का कर्व वेट है 144 kg का, 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और इसकी सीट हाइट है 800mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है 12 लीटर की और ये बाइक आपको 40 km/h का माइलेज देती है सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको आने वाले 2-3 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी और लॉन्च होने पर इस बाइक में 10-15,000 का फर्क आएगा। एंड पहले नंबर पर है अपाचे RR310 का नेकेड वर्जन अपाचे RTR310। ये बाइक अपाचे RR310 का नेकेड वर्जन होने वाला है, जो आपको देखने को मिलेगा RTR310 के नाम से। तो बाइक में आपको सेम इंजन मिलेगा RR310 वाला, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 34 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 27.3 Nm का। और ऑब्वियसली बाइक का जो इंजन है वो रिट्यून होगा, तो जो पावर फिगर्स है वो भी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। बाकी फीचर्स आपको इसमें काफी सारे देखने को मिलेंगे कंपैरिजन में किसी भी बाइक से। तो सबसे पहले तो आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिलेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में सेम राइडिंग मोड्स होंगे जो आपको अपाचे RR310 में मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल होगा बाइक में, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी आपको मिलेगी,
और TFT कंसोल भी आपको मिलेगा RTR 310 में TVS की तरफ से, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे नेविगेशन के साथ। बाकी सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक्स होंगे, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। और दोस्तों जो बाइक का डिजाइन होगा ना, वो आपको जो TVS की ड्रैगन बाइक है ना कॉन्सेप्ट मॉडल, उसका देखने को मिल सकता है। बाकी फिलहाल में डिजाइन इस बाइक का क्या होने वाला है वो अभी किसी को भी नहीं पता, तो डिजाइन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बाइक के लॉन्च होने का। फिलहाल में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, जो TVS की ड्रैगन है और अपाचे RTR सीरीज है, इन्हीं दोनों बाइकों से मिलता जुलता डिजाइन आपको देखने को मिलेगा अपाचे RTR 310 में। बाकी डायमेंशन में बाइक का कर्वेड आपको देखने को मिलेगा 150 से 160 kg के अराउंड, 160 से 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होगी। और आपको इसमें सीट हाइट मिलेगी 780 से 800 mm की, जो कि दोस्तों बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। बाकी 12 से 13 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आएगी और ये बाइक आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी चलिए बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको जून से जुलाई के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी TVS की तरफ से। बाकी लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस आ जाएगा 220,000 से 240,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो TVS की तरफ से लॉन्च होने वाली मोस्ट अवेटेड बाइक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन तीनों बाइकों में से आप कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।